आज 25 दिसंबर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे पार्टी के पूर्व मेरे नेता देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और उनकी इस जयंती के उपलक्ष पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। आज हिमाचल प्रदेश और देश के सभी क्षेत्रों में सुशासन दिवस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया। मैं सफल आयोजन के लिए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज धर्मशाला में भी हमारे जो कांगड़ा चंबा के माननीय सांसद हैं किशन कपूर जी, उन्होंने भी आज कार्यालय का शुभारंभ किया है और यहाँ पर एक व्यवस्था खड़ी की है कि कांगड़ा चंबा के जो लोग हैं, जिन लोगों को संसदीय क्षेत्र में जितने भी लोग आते हैं उनको कोई कार्य की आवश्यकता रहती है, कोई कार्य करवाना है, तो उनके लिए एक कार्यालय की व्यवस्था आज धर्मशाला में खड़ी करवाई है। मैं आदरणीय किशन कपूर जी को भी बधाई देना चाहता हूं और साथ में कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से आज ये सारी चीज़ें संभव हो पा रही हैं। क्योंकि पार्टी का जिसमें गठन हुआ था तो मात्र एक दो व्यक्तियों ने उसमें जो है संघर्ष शुरू किया था, आज ये विशाल काय रूप बनकर तैयार हुई है। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे राजनीतिक संगठन और ऐसे वैचारिक संगठन में हम लोगों को काम करने का सौभाग्य मिला है। आपको बुलाया नहीं गया था कार्यकर्ता? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कार्यकर्ताओं को सभी को सूचना थी और सभी कार्यकर्ता थे। भारतीय जनता पार्टी मंडल धर्मशाला के सभी कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैं खुद भी कार्यकर्ताओं के साथ में आया हूँ। माननीय किशन कपूर जी सांसद जी को मैंने भी शुभकामनाएं दी हैं इस नए कार्यालय के शुभारंभ के ऊपर। बोलने का मौका भी नहीं दिया। देखिए, ऐसा है कि इस चीज़ को आप किसी और दृष्टिकोण से ले रहे हैं। मुझे लगता है कि वक्ताओं की पहले से सूची बनी थी और जिस तरह से इन लोगों ने उस कार्यक्रम की विधिवत तैयारी की थी उसी तरीके से कार्यक्रम हुआ है। जी, धन्यवाद।